नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में यदि कोई देवी देवताओं में से अजर अमर है तो वे हैं साक्षात बजरंग बली हनुमान। जी हाँ दोस्तों, हनुमान इस कलयुग में एक जागृत देव है। हनुमान जी की भक्ति काफी आसान भी है। हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ भी होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के ही एक ऐसे ही आसान से उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिसको करने से आपकी सभी समस्याएं, खास तौर पर धन संबंधी समस्याएं तो दूर हो ही जाएंगी और आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा भी आजीवन बनी रहेगी। शास्त्रों में वर्णित है, बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई मंत्रों का जाप तो करते हैं, लेकिन इन सभी मंत्रों से भी ज्यादा हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का विशेष महत्व होता है। खास तौर पर मंगलवार व शनिवार के दिन भक्तजन हनुमान जी के लिए बजरंग बली का, हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करते हैं। लेकिन आप याद रखें कि सभी दिन स्वयं बजरंग बली के ही हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं बजरंग बली हनुमान जी। इसीलिए भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा किसी भी दिन की जा सकती है। माना जाता है कि बजरंग बाण के पाठ से सभी तरह की मनोकामनाएं बजरंग बली की कृपा से पूर्ण करवाई जा सकती हैं। संभव हो तो हर रोज बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। समस्या चाहे फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हनुमान जी की आराधना करने वाले से आसानी से ही वे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर समस्या विवाह से जुड़ी हुई हो तो फिर आपको बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा ठीक ना हो, शनि, राहु और केतु की महादशा हो अगर आपके ऊपर चल रही है, तो आप बजरंग बली के लिए 3 दिन लगातार बजरंग बाण का पाठ करें, आपकी कुंडली के सभी खराब ग्रह ठीक हो जाएंगे। यदि आपकी समस्या नौकरी या व्यवसाय से संबंधित है, यानी कि नौकरी नहीं लग रही या फिर मनचाही नौकरी नहीं है या फिर प्रमोशन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करने से नौकरी में आ रही सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। बजरंग बाण पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके बजरंग बली से अपनी बस मनोकामना एक बार कह दें। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर कुछ किया कराया है, टोना टोटका आदि है, या फिर आपका पूरा घर बांध दिया गया है, या सीधे शब्दों में कहें तो आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, आपके सभी प्रकार के भय तो दूर हो ही जाएंगे और घर से हर प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाएगी। चाहे किसी का कितना भी बुरा से बुरा किया कराया क्यों ना हो, हर प्रकार का किया कराया आपके घर से दूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी है जो गंभीर रोगों से युक्त है, या फिर आए दिन कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, रिपोर्ट आदि कराएं तो कुछ निकलता भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप दिन में 2 बार सुबह व शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले आप बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें, गंभीर से गंभीर रोगों का भी नाश हो जाएगा। अगर आपके घर में आ रही समस्याएं वास्तु दोष के कारण है, तो भी बजरंग बाण इसमें बहुत ही लाभकारी होता है। वास्तु दोष की समस्या से निजात पाने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ नित्य दिन करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करते समय एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है बजरंग बाण। यदि आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि निरंतर आपके घर में धन आता ही रहे, तो आप बजरंग बाण के साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। आपके घर में हर प्रकार से चारों दिशाओं से धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। बस आपको बजरंग बाण व हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने के बाद बजरंग बली से गुहार लगानी है, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके मन ही मन अपनी सभी धन संबंधी मनोकामनाएं बोल देनी है। ये काम यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके सभी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वे दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय बजरंग बली।